नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों जो पतंग आई हुई है जो मैं इनको लेके जा रहा हूँ गेम पर, उनकी देखिए क्या खूबी है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक ये चौकोर फर्मे से मिल रहा है, और ठड्डा देखिए दोस्तों क्या लोजदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा है और फ्लेक्सिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये घर बन रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये जो देख रहे हो कि बिल्कुल बारीक काम, बिल्कुल तिल्ली काम कर रखा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए, और आप ये देखेंगे यहाँ पे भी, ये बिल्कुल तिल्ली काम कर रखा है दोस्तों। ये देखिए, और उतराव देखें इस पतंगा तो चार ये और तीन ही करीब करीब ये, यानी सात उंगलियां उतरी हुई, यानी साढ़े छह उंगली तो ये उतरा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एरोडाइन में कितनी ज्यादा, कितनी जल्दी एंगल लेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, इसमें लोच कितनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों विंग बराबर उड़ रहे हैं, यानी कि हवा जो कटेगी बिल्कुल एक साथ पैरेलल उतरेगी। तो दोस्तों ये चलत फुलत की बहुत ही शानदार पतंग है दोस्तों। पत्ता काफ़ी हद तक चौड़ा है, जैसे अपने ओवल की पूंछ होती है, वो ओवल बहुत तेज़ी से पलटता है, उसी हिसाब से पत्ता चौड़ा होते हुए बहुत जल्दी पलटेगी है। और इसे बोलते हैं ना दोस्तों, 350 से 400 मीटर के अंदर बहुत तेज़ चलत फुलत पे काम करेगी। छोटे पेजों पर तो बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा ये वाली पतंगें, आप लेके जाइए। देखिए ये कुछ पतंगें, ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, इनकी चिकनाहट इतनी है कि शायद ये ऐसा लग रहा है तेल पी हुई कमानी हो, लेकिन बहुत अच्छी कमानी है। देखिए देखो फिनिशिंग, देखिए इस कमानी घूमती है। और ये देखिए दोस्तों, पत्ता देखिए दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का है। और इसमें ही कुछ नीली पतंगें दिखाता हूँ दोस्तों, ये नीली पतंगें हैं, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इसी से। ये देखिए दोस्तों, ये हैं, ये लेक सार हैं सारी पतंगे, और ये मंगलधारा है दोस्तों। ये देखिए मंगलधारा, और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत शानदार और ये जो कागज है कौन सा वाला है, खटीमा, ये खटीमा में है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और काफी लोजदार है। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ में आपको दिखा देता हूँ, जोरदार वजनदार देखिए दोस्तों, कितनी शानदार, बहुत ही शानदार, एकदम रबड़ बैंड हो रही है, बिल्कुल रबड़ बैंड। तो दोस्तों राजस्थान वाले पेड़ लगा दें तो ये वाली पतंग ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा है इनका है। आप धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये कुछ पतंगे और हैं, और इन पतंगों के अंदर ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर है दोस्तों। ये 15 रुपये की है, बस 15 रुपए की। हाँ या बस 15 गोल फरमाई की पोनी, क्या बात कर रहे हो, काफी हद तक गोल फरमाई है। देखिए देखो, दिखाओ इसे यार, 15 रुपए में लोगों को अद्धी नहीं मिल रही, आप पोनी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये शोभित भैया ने अपने फरमे पे बनवाई है पतंगे, और मेरे को दिए 100 पतंग इन्होंने गिफ्ट उड़ाने के लिए। थैंक यू शोभित भैया, आज ही इसको टेस्टिंग करते हैं और दिखाते हैं क्या दमखम है इसमें। और आज वो पतंग जब उड़ाएंगे ना, इस पर टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि कहाँ तक लड़ रही है, और खैच में कैसी आ रही है, डील में कैसी जा रही है, वजन कितना आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये यार टेस्ट करते हैं आज, इनको टेस्ट करते हैं और शाम को 8 बजे लोगों को रिव्यू भी दे देते हैं। आज जो गेम लड़ेगा ना अपना, हाँ उसके अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे गौरव यार, गेम्स की। अरे देखो पीछे 15 रुपए का टैग भी लगा हुआ है, वो देखो सामने 15 रुपए वो भी आ रहा है। ये देखो दोस्तों, पतंग के साथ साथ 15 रुपए भी लिखे हुए आ रहे हैं, जिन भाइयों को चाहिए 15 रुपए में ले लो। अगर वो टैग 10 रुपए का होता तो 10 में भी दे देते क्या आप, भैया एक काम करो मेरे को ही दे दो ना। चलो कोई नहीं दोस्तों, कोशिश करेंगे इस पतंग को अद्धी में बनवा लेंगे, तब शायद 10 रुपए की आ जाए। और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बेसिक अगर कंसेप्ट देखा जाए तो कमान ठड्डे फिनिशिंग, ये देखो पूरा एरोडायनामिक बना हुआ है। ये बात बहुत अच्छी करी कि पोनी पतंग 15 रुपए के हिसाब से, और यही कारीगर अगर रद्दी बना देना तो काफ़ी अच्छा सीजन पे लोगों का अच्छा काम हो जाए, क्योंकि अभी रद्दी मिल नहीं पा रही है बढ़िया तरीके की गोल फर्मे की। दोस्तों ये पतंग है, या आप गौरव भाई की शॉप से ले सकते हो, सोना गाइड से, जो कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्टू वाली बातें कर रहे हैं। तो मैंने शोभित भैया थोड़ा देखा है कि थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा अपने को है ना, थोड़ा सा लोगों को हंसाना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत ही डीमोटिवेट से हो गए हैं लोग, और जैसे कि आज सुबह भूकंप आया था तो डर भी गए हैं।
इसलिए कि आज फाइनल है ना तो सबको हिला दिया। अगर जयपुर में टूर्नामेंट का आज फाइनल है तो सबको हिला दिया है, झंझोड़ दिया है। सुबह प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सुबह भोर भरते ही प्रैक्टिस करो और पतंगे उड़ाओ। ये वाली तो खैर नहीं उड़ रही है टूर्नामेंट में, क्योंकि टूर्नामेंट में आते ही इंसान को पता नहीं क्या हो जाता है, वो 35-40 रुपए से ऊपर चला जाता है। देखिए इस टूर्नामेंट में सबने एक से खतरनाक पतंगे पतंगे भले यार कोई सा भी अख्तर हो सब देखने को मिल रहा, मतलब ऐसी ऐसी महंगी महंगी पतंगे उड़ा दी इन्होंने अख्तर साहब की या खानदानी 12-13 की उड़ाते थे वो सीधे ही अख्तर पत्थर पे। वही मैं देखूं मैंने कहा क्या हो गया, कभी खींचने के लिए तो 18 रुपए से ऊपर पतंग नहीं ले रहे लोग, और टूर्नामेंट में और बारिश होकर टूर्नामेंट है तो भी है ना लोगों ने भरपूर पतंगे उड़ाई है। वो ये क्या नाम था अपने भरत भाई ने उड़ाई थी वो पतंग, डॉक्टर रजी की थी, कौन सी थी डॉक्टर रजी। ये देखो हमारे पास एक और बंदे बैठे हैं, ये देखिए मुरादाबाद रजी की भी पतंग उड़ा दी, मतलब किसी ने भी कुछ छोड़ा नहीं है। ये हमारे रहू भाई हैं, बहुत अच्छी पतंग बेचते हैं, मतलब थोड़े अच्छे कारीगरों की बेचते हैं। हमारे यहाँ तो नमी है तो हम रखते नहीं है महंगी महंगी, थोड़ी सी अरेंज जरूर करवा देते हैं, पर ये बहुत अच्छी चीज लाए हो शोहित भी यार। कारीगर बताना मुझे कौन है, फिर मैं उससे 16 रुपए में बांध लूंगा अपने पास। भाई ऐसा ही होता है भाई, आप 15 में लाए हो तो हम 16 में करा लेंगे, फिर कोई 17 में करा देगा, ऐसे करते करते कारीगर की रेट 20 रुपए हो जाती है। काम वही मिलता रहता है सबको, काम वही मिलता रहता है, गाड़ियां खड़ी हो जाती है। चलो दोस्तों कुछ एक चीजें मजाक के लिए, सीरियस मत लेना, 15 रुपए की पोनी है, आप लोग इसे उड़ाएं एंजॉय करें, कोई शिकायत हो तो बताएं, कारीगर को देखें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहे तो, वरना बंद कर देंगे हम तो। चलो बहुत अच्छा मजाक हो गया, वीडियो भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, देखने वाले को भी मजा आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो पहले जो बताई थी वो 18 रुपए के करीब की पतंग थी, और ये अपने 15 रुपए की गोल फरमा, पूरा बड़ा भरपूर फरमा है, मतलब डेली यूज में अगर ये पतंग उड़ा रहे हो तो 100-200 लेके रख लो दोस्तों। बाकी मैं रिजल्ट शाम को बताता हूँ, चेक वेक करेंगे, बिना सीधे करे चेक करेंगे ना, तो उससे रिजल्ट क्या है एकदम पता चल जाएगा कि ये चारों पतंगें रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही, नहीं दे रही तो बेचना बंद कर देंगे। सही है दोस्तों, देखो सक्सेस होगी तो ही आप इसका ऑर्डर लगाना, वरना वीडियो तो हम डाल ही देंगे, बाकी आप देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ ये एक चीज बता दूँ, सामने चरखियाँ ये अरे बता दिए क्या यार, बस यही है पोल पहले खुल जाती है। देखो दोस्तों ड्रैगन भी हमारे बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर ही उड़ रहे हैं, बाहर ही उड़ रहे हैं। अरे ये बशीर बेग भी यहीं पड़े हैं, किसी की रह तो नहीं गई चरखी, नाम लिखा हुआ होता। चलो ठीक है दोस्तों, अभी आप ये सब देखिए, एक पार्सल मैंने लगाया था, हो सकता है बशीर बेग उसमें से रह गई। अच्छा ये आप लेके आओ पीछे से, मैं लेके आया था। हाँ हाँ अभी कोलकाता में कुछ भेजे थे पार्सल, तो हो सकता है नहीं, पर वो हो गया। अच्छा आपने कर लिया क्या वीडियो दोस्तों, मेरे से पहले ही मेरे शॉप के वीडियो आ रहे हैं, मेरी नहीं आप सबकी शॉप है, क्योंकि मांझा तो आप लोगों के पास ही आ रहा है, मैं कितना उड़ा लूंगा इसमें से। ये जो चरखियाँ दिख रही है ना शाइन करती हुई, ये 8400 है, और ये सम्राट की चरखियाँ हैं 8400 पे, 6-6 रील की चरखियाँ हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है सम्राट का भी। रिजवान भाई बहुत अच्छा काम करके भेज रहे हैं, और इतना बारीक एकदम सुई की धार की सुई जितना नुकीला और ब्लेड जैसा धार जैसा मांझा आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एक हमने वीडियो आप लोगों के लिए कर दिया, और आज देखिए बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, बाहर जैसे चमक रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा जूम करके, ये देखिए दोस्तों बाहर चमकता हुआ, और ये भाटे जो हमने किसी काम के लिए यहाँ रख रखे हैं, तो धूप अच्छी है, शौक अच्छा होएगा। आज 5 बजे आपको अपडेट देते हैं लाइव आके।